मार्केट से आप सभी ने फ्लेवर्ड मिल्क पिया ही होगा, जैसे कि एनर्जी ड्रिंक होता है, अमूल कूल मिल्क होता है, जो कि पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसी की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी है और काफ़ी आसानी से ये घर पर बन के तैयार ही हो जाता है। तो एक बार आप इसे इस तरीके से बना लेंगे तो मार्केट से महंगे दामों में फ्लेवर्ड मिल्क खरीदना छोड़ देंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 7 अलग अलग फ्लेवर में फ्लेवर्ड मिल्क यानी कि अमूल कूल बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1.25 लीटर दूध ले लिया है, ये गाय का दूध है, जिसे मैंने उबाल कर फ्रिज में ठंडा करके उसका पूरा क्रीम निकाल लिया है। आप इसकी जगह चाहें तो स्किम्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अब 1 चम्मच मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर एक कटोरी में, और थोड़ा सा दूध डालकर उसका घोल बना लिया है। इसे मैं दूध में डालकर भगोने में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल दिया है, इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और पानी यहाँ डाल देना है करीब 1/4 कप के बराबर। तो 1 कप मैंने पानी यहाँ डाला है और 1/4 कप बाद में डाला था। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लावर मैंने मिक्स कर लिया है, मिल्क पाउडर भी डाल दिया है। अब लगातार चलाते हुए इसे पकाना है, जिससे कि कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़े और मिल्क पाउडर जो है ये भी जैसे जैसे दूध पकेगा वैसे वैसे ये भी अच्छे से घुल जाएगा। बीच बीच में इसके लम्स इस तरीके से फोड़ते रहे और दूध में मिक्स करते रहे। लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि दूध में उबाल ना आ जाए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर हमने डाला है तो उसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं जमनी चाहिए सतह में। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप चीनी डाल दी है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे इसमें गाढ़ापन आएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है। और यहाँ पर आप कलछी के ऊपर भी देख सकते हैं कि एक हल्की सी कोटिंग कलछी के ऊपर आ जा रही है। तो ये देखिए, पानी भी मैंने डाल दिया है करीब 1/4 कप के बराबर, और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध मैं अलग कर लूँगी, करीब 2 से 3 टेबलस्पून, और इसमें थोड़े से केसर के धागे डालकर भिगो कर रखना है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। दूध में यहाँ उबाल आ गया है, तो अब इसे चूल्हे पर से उतार कर लगातार चलाते हुए ठंडा करना है, जिससे कि फैट अलग ना हो, मलाई की सतह ऊपर से नहीं जमनी चाहिए। ध्यान रखें कि फ्लेवर्ड मिल्क बनाने से पहले दूध को अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, दूध भी एकदम अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब फ्लेवर्ड मिल्क बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 200 ml दूध ले लिया है, इसे एक बोल में डाल दूँगी और इसी में मैं डाल दूँगी सबसे पहला जो फ्लेवर है वो है केसर वाला। तो जो केसर के धागे मैंने दूध में भिगो कर रखे थे उसे डाल दिया है, साथ ही साथ कुछ बूंदे केसर फूड कलर के डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने विस्कर से यानी कि इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से मैंने मिक्स किया है, तो इससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और दूध में थोड़ा सा एरिएशन आ जाएगा, तो दूध का गाढ़ापन भी बढ़ जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़े से मैंने पिस्ता से गार्निश कर लिए हैं। अब यहाँ पर फिर से मैंने ले लिया है 200 ml दूध। तो आगे का जो फ्लेवर है ये है बादाम फ्लेवर, तो यहाँ पर थोड़े से बादाम के एसेंस डाल दिए हैं और थोड़े से बादाम की कतरन डाल दी है। और यहाँ पर फिर से ब्लेंडर से मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर रंग देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रंग दे देने से ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बूंद लेमन फूड कलर डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं एक सर्विंग ग्लास में निकाल लूँगी, ऊपर से थोड़े से बादाम की कतरन से गार्निश कर लूँगी। गार्निश करना ऑप्शनल है, फ्लेवर्ड मिल्क जो मार्केट में मिलता है उसमें इस तरीके से गार्निशिंग नहीं होती है, लेकिन घर पर थोड़ा गार्निश करना तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। अब यहाँ पर अगला जो फ्लेवर है ये है रोज़ फ्लेवर्ड मिल्क। तो 200 ml दूध में मैंने 1 टेबलस्पून रोज़ सिरप डाला है। रोज़ सिरप नहीं है तो इसकी जगह आप चाहें तो रोज़ एसेंस और रेड फूड कलर डालकर भी यहाँ पर रोज़ फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, रोज़ सिरप डालने के बाद अच्छे से इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी और फिर इसे सर्व कर लूँगी एक ग्लास में। तो रोज़ फ्लेवर्ड मिल्क भी बनके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितने अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिख रहे हैं और बनाना काफ़ी आसान है इन्हें। चलिए अगला फ्लेवर का दूध बनाते हैं। तो अगला जो फ्लेवर है ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी सिरप नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला है और इसी के साथ डाल दूँगी रेड फूड कलर। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कलर यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, तो कलर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, लेकिन इसी तरीके से आप बनाएं तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क भी बनके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बनके तैयार हो गया है। जस्ट ज़रा सा ड्रॉप ज़्यादा हो गया तो इतना गाढ़ा रंग आ गया है, तो संभाल कर आप फूड कलर यूज़ करें। तो यहाँ पर अब अगला जो फ्लेवर है ये है चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ml दूध और इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून चॉकलेट सिरप। फिर इसमें मैं डाल दूँगी
वनीला एसेंस करीब आधा टीस्पून और एक टीस्पून यहाँ पर कोको पाउडर डाल देना है। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, तो यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोको पाउडर यूज़ किया है मैंने, थोड़े डार्क कलर वाला है, इसीलिए जो ड्रिंक है थोड़ा सा गाढ़ा रंग है इसका, लेकिन पीने में बहुत ही टेस्टी है और मार्केट से भी ज़्यादा रिच फ्लेवर है इसका। तो आप यहाँ पर इस तरीके से चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क बनाएं, बच्चों का ये फेवरेट है इसकी तो गारंटी है। चलिए अब अगला फ्लेवर देखते हैं, ये है कॉफ़ी फ्लेवर। तो यहाँ पर 200 ml दूध लिया है, एक टीस्पून यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर डाल दूंगी और 1 tablespoon चॉकलेट सिरप डाल दूंगी। चॉकलेट सिरप यहाँ ऑप्शनल है, लेकिन इससे कॉफ़ी का जो फ्लेवर है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने चॉकलेट सिरप डाला है। चलिए अब अगला फ्लेवर देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगला फ्लेवर है ये है पिस्ता फ्लेवर। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता एसेंस डाला है और 2 बूंद ग्रीन फूड कलर डाल दूंगी। थोड़े से पिस्ता की कतरन डाल देनी है और फिर इसे भी मैं इस तरीके से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये यहाँ पर पिस्ता फ्लेवर्ड मिल्क भी बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार दूध तैयार कर लिया तो झटपट कितने सारे फ्लेवर्ड के दूध बन के तैयार हो गए हैं। और जब भी आपके घर में छोटी मोटी पार्टीज़ हो या बर्थडे पार्टीज़ हो जहाँ बच्चे आने वाले हैं, तो इस तरीके से फ्लेवर्ड मिल्क आप बनाकर पहले से रख सकते हैं और उन्हें सर्व करें, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप इस तरीके से फ्लेवर्ड मिल्क ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।